EVS थर्ड क्लास लेसन फोर हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बीइंग वेल एंड फ्री फ्रॉम इलनेस। अच्छे स्वास्थ्य की अवस्था से हमारा शरीर और मस्तिष्क बीमारियों से स्वतंत्र रहता है। टू कीप हेल्दी वी शुड एक्सरसाइज डेली एंड मेंटेन ए करेक्ट पोस्चर। स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए और शरीर की अवस्था की सही देखभाल करनी चाहिए। वी शुड ईट हेल्दी फूड, टेक प्रॉपर रेस्ट एंड रिमेन क्लीन। हमें पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, संपूर्ण आराम करना चाहिए और अपने आप को साफ रखना चाहिए। एक्सरसाइज व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। नियमित व्यायाम अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। इट कीप्स अस फ्रेश एंड एक्टिव द होल डे। यह हमें सारा दिन ताज़ा और चुस्त रखता है। प्लेइंग एंड रनिंग आर गुड एक्सरसाइज। खेलना और दौड़ना बहुत ही अच्छे व्यायाम हैं। वी कैन डेवलप आवर मसल्स बाय टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज। हम नियमित व्यायाम से अपनी मांसपेशियों में सुधार कर सकते हैं। वेल डेवलप्ड मसल्स मेक द बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। मांसपेशियों में विकास के लिए हमारे शरीर को मांसपेशियों से हमारे शरीर में अच्छा स्वास्थ्य होता है और हमारा शरीर मजबूत बनता है। पोस्चर, शरीर की सही स्थिति, शरीर के उठने बैठने का सही ढंग। ए पोस्चर इज द वे इन विच वी होल्ड अवर बॉडी वाइल सिटिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग। शरीर की स्थिति को सही रखने के लिए हमें अपने शरीर से किस तरह बैठना है, खड़े होना है और किस तरह से चलना चाहिए, इसे पोस्चर कहते हैं। शरीर की सही स्थिति को पोस्चर कहा जाता है। ए करेक्ट पोस्चर इज नेसेसरी टू कीप आवर मसल्स एंड बोन्स इन गुड शेप। हमारे शरीर की मांसपेशियां और हड्डियों को अच्छा आकार देने के लिए शरीर की सही स्थिति आवश्यक है। दीज करेक्ट पोस्चर नॉट ओनली कीप द बोन्स स्ट्रॉन्ग बट आल्सो हेल्प देम टू ग्रो प्रॉपरली। ये शरीर की सही स्थिति न केवल हड्डियों को मजबूत बनाती है बल्कि उनका सही विकास करने में सहायता करती है। टू कीप अस हेल्दी वी शुड टेक प्रॉपर फूड। स्वस्थ रहने के लिए हमें उचित भोजन लेना चाहिए, हमें पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। वी शुड इंक्लूड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड मिल्क इन आवर डाइट। हमें अपने भोजन में हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, फल और दूध लेना चाहिए। वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड। हमें जंक फूड खाने से बचना चाहिए। प्रॉपर रेस्ट, संपूर्ण आराम। टू कीप अवर माइंड फ्रेश वी मस्ट स्लीप फॉर एट लीस्ट 8 hours एवरी डे। हमें अपने दिमाग को ताज़ा रखने के लिए कम से कम प्रतिदिन 8 hours सोना चाहिए। स्लीप रिफ्रेशेज आवर बॉडी एंड ब्रेन। नींद हमारे शरीर को ताजगी
देती है। नींद हमारे शरीर और दिमाग को ताजगी देती है। प्रॉपर रेस्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। संपूर्ण आराम अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लीनलीनेस, सफाई, टू कीप द बॉडी क्लीन, हमें अपने शरीर को किस तरह से साफ रखना चाहिए। वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, हमें कुछ भी खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोने चाहिए। ब्रश योर टीथ वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस एट नाइट, हमें सुबह और शाम को दांत साफ करने चाहिए, दांतों में ब्रश करना चाहिए। टेक ए बाथ विद ए मेडिकेटेड सोप डेली, नहाने के लिए हमें प्रतिदिन एक औषधीय साबुन का प्रयोग करना चाहिए। कॉम्ब हेयर विद ए क्लीन कॉम्ब एंड यूज ए हैंडकरचीफ टू क्लीन द नोज, एक साफ कंघे से बाल काटने चाहिए, बालों में कंघी करनी चाहिए और नाक साफ करने के लिए रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। क्लीन ईयर्स विद ए सॉफ्ट कॉटन बड्स, कान को साफ करने के लिए साफ सुथरी रुई का, मुलायम सी सॉफ्ट सी रुई का प्रयोग करना चाहिए। कीप योर नेल्स क्लीन, अपने नाखूनों को साफ रखना चाहिए। हैव देम कट विद ए नेल कटर वंस इन ए वीक, सप्ताह में एक बार नेल कटर से नाखूनों को काटना चाहिए।